खबर आजमगढ़ से है, जहां आज अनुदेशक शिक्षक संघ रानी के सराय के अनुदेशकों द्वारा विगत 3 वर्ष पहले से अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा हुई तथा जुलाई 2013 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 अनुदेशक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसका मानदेय छठे वेतन के आयोग के तहत 7,000 रुपये निर्धारित हुआ था। कुछ समय बाद इनका वेतन 1,470 रुपये बढ़ाकर 8,470 रुपये हो गया था। मार्च 2017 में जब सातवां वेतन आरंभ हुआ, तब अनुदेशक शिक्षकों का वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 करने का प्रस्ताव जारी हुआ तथा शिक्षा मित्र शिक्षकों का मानदेय 3,500 रुपये बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव हुआ। चुनाव के बाद सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई, उसी वहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अनुदेशकों का जो मानदेय बढ़ा है उसको आप देना चाहते हैं। यहाँ सरकार मुख्यमंत्री जो थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हाँ, हम इनको 17,000 मानदेय देंगे। हम लोगों के साथ ही शिक्षा मित्रों का भी प्रस्ताव गया था, जो उनको 10,000 3,500 से बढ़ा के 10,000 हुआ था, और शिक्षा मित्रों का मानदेय आज मिलने लगा है। उनका मिल रहा है? हाँ, उनका जो आपके साथी हुआ था वो मिल रहा है? शिक्षा मित्रों का 10,000 मिल रहा है और आपका भी नहीं? हम लोगों का नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है, जो 17,000 देने की बात कहे थे, आज जो है नवंबर चल रहा है, दो लगभग 2.5 साल हो गए, तो जो हम लोगों को मिल भी रहा था वो भी मार्च 2018 से उसको भी जो है 1,470 जो बढ़ा था 2015 उसको काट दिए। उसके बाद कटौती करके अब हम लोगों को जहाँ से शुरू किए थे हम लोग, अब वही आ गए हैं। फिर हम लोग 7,000 मान गए, फिर 7,000 जी हम लोगों को अब 7,000 मिल रहा है। कुछ ही समय बाद शिक्षा मित्र शिक्षकों का बढ़ा हुआ मानदेय उन्हें मिलने लगा, लेकिन अनुदेशक शिक्षकों का बढ़ा हुआ मानदेय 17,000 आज तक नहीं मिला। बहुत सारी समस्याएं, जैसे जब अनुदेशक शिक्षकों ने अपने बढ़े हुए मानदेय को लेकर लागू करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से मिले, तो मुख्यमंत्री महोदय ने सीधा कहा, काम करना है तो करो, नहीं तो निकाल कर बाहर कर ले जाओ। इसके बाद अनुदेशक शिक्षकों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया। उस समय कम से कम 20 बार अनुदेशक शिक्षकों पर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई और अपनी निरंकुशता एवं तानाशाही शासन का परिचय देते हुए अनुदेशक शिक्षकों को जो 8,470 रुपये मिल रहे थे, उसमें से भी 1,470 रुपये काट कर 7,000 करने का आदेश दे दिया गया और 7 महीने का मानदेय रोक कर पीछे से मिला हुआ मानदेय कटौती कर सरकार ने इस दुगलकी फरमान से पोस्ट होकर बहुत से अनुदेशकों ने आत्महत्या कर ली। कुछ अनुदेशक शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद भी जब सरकार नहीं सुनी तो अनुदेशक शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय महोदय का दरवाजा खटखटाया। 3 जुलाई 2019 को खंडपीठ लखनऊ का आदेश जारी हुआ तथा 23 जुलाई 2019 को प्रयागराज उच्च न्यायालय का आदेश आया कि अनुदेशक शिक्षकों को पिछले 30 महीने से 17,000 रुपए की दर से मानदेय भुगतान किया जाए, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई 9% ब्याज के साथ। इसके बाद प्रदेश सरकार अब डबल बेंच चली गई है। अनुदेशक शिक्षकों की हुई बैठक में कहा गया कि जब तक हम लोगों का मानदेय उचित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। अनुदेशक शिक्षकों की स्थिति बदवा मजदूर से भी खराब हो चुकी है। जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि अपनी समस्याएं कि विगत 2.5 साल से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं और 7,000 में उनका पूरा खर्चा चल रहा है। इसी क्रम में इसी रानीसराय ब्लॉक के अनुदेशक संघ के अध्यक्ष अमरजीत यादव पहलवान जी से बात करते हैं कि वो अपनी समस्याओं को किस प्रकार अपने सामने सरकार के सामने रखते हैं और सरकार किस हद तक उन समस्याओं को सुनती है और उस पर विचार करती है। अमरजीत यादव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग इस समय इतना ज़्यादा परेशान हैं, वो भी चाहे आर्थिक रूप से कहिए या सामाजिक रूप से कहिए, मानसिक रूप से कहिए, इस सरकार की तानाशाही रवैये से और सरकार की वादा खिलाफी से पूरे प्रदेश के लगभग 42,000 अनुदेशक हैं, सभी लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि सभी लोग अपनी समस्या जिसके यहाँ भी कहने जाते हैं। कईयों बार तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ खुद ही गए अपनी समस्या लेके, मुख्यमंत्री महोदय सीधा सीधा कहते हैं कि तुम सभी काम करना है, काम करो, नहीं तो तुम लोगों को निकाल देंगे। अब इस समय जबकि मुख्यमंत्री महोदय अपने ट्विटर हैंडल से खुद ही ये चीज़ें सार्वजनिक किए थे कि हम सबका साथ सबका विकास के तहत अब शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 तथा हम देशकों का मानदेय 8,470 से बढ़ाकर 17,000 कर रहे हैं। 7,000 रुपए महीने में कोई अपना परिवार कैसे चलाएगा? इसीलिए सभी अनुदेशक आर्थिक मानसिक सामाजिक रूप से अपने आप को अपमानित एवं प्रताड़ित महसूस करते हैं तथा अनुदेशकों का यह निर्णय है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा अधिकार हमें मिल न जाता।